फ्रेंड्स का मैं गणेशा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हुकम ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो आज मम्मा हुकम भी कोई फंक्शन में पधारे हुए हैं, तो ना घर पे हुकम है ना मम्मा हुकम है, तो आज मैं घर पे अकेली हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ पूजा, उसके बाद मैं करूँगी सबसे पहले घर की सफाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने घर की क्लीनिंग नहीं की है, तो मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो आज मैं रूम क्लीन करने वाली हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। सबसे पहले तो अपन चलते हैं महादेव के दर्शन करने, तो चलो चलते हैं मंदिर। हमारे यहाँ आज गेस्ट आ गए थे, तो मैं क्लीनिंग कर ही नहीं पाई, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई गेस्ट आता है तो पॉसिबल ही नहीं है, और ऊपर से मम्मा हुकम नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ, तो मैं अब अपने घर की क्लीनिंग एक आध दिन बाद करूँगी। तो फ्रेंड्स, हुकम को लगी है बहुत झूलों की भूख। एक्चुअली जब भी वो ऑफिस से पधारते हैं ना, उसके बाद उनको कुछ नाश्ता चाहिए होता है, तो उनको लगी है भूख। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या जिमोगे, तो उन्होंने बोला कि वो फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आलू को अच्छे से वॉश करने के लिए आलू को मैंने पानी में आलू डाल दिए, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। मैंने आलू को अच्छे से धो लिए, अब मैं इनको पीलर से सबको छीलूंगी। फाइनली मैंने आलू को सबको छील लिया है और अब मैं इसकी चॉपिंग करूंगी। फ्राइज का शेप दे दिया है, अब मैं इसको पानी में डालूंगी ताकि इसका जितना भी स्टार्च होगा ना वो सब निकल जाएगा, और फिर इसको अपन उबालेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज डाल दिए पानी में, डाल रही हूँ। अब इसको उबाल ही आती है, जब तक पानी को गर्म होने देना है, जब तक इसमें उबाल ही नहीं आ जाती है, उसके बाद फिर अपनी ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये उसमें डालेंगे। फाइनली हमारा पानी हो गया अच्छा, तो अब इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारी फ्रेंच फ्राइज डाल दी हैं, अब मैं इसको ढक दूंगी। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी फ्रेंच फ्राइज हो गई है, तो ये जब तक ऐसी नहीं हो जाए, हल्की से सॉफ्ट जब तक इसको हम पकाते हैं, तो अब मैं इसको दूसरी कोई प्लेट में ठंडा होने के लिए निकालती हूँ। मैंने सारी फ्रेंच फ्राइज निकाल ली है पानी में से, अब इनको मैं अच्छे से वाइट कपड़े से
या कोई भी अच्छा कपड़ा जो होता है सॉफ्ट कपड़े से, इनको पूरा अच्छा कड़क, इनका साला पानी निकालूंगी। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनको अच्छे से सब इनका पानी निकालूंगी, एक एक को अच्छे से पोंछूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इस फ्रेंच फ्राइज को 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगी। तो फ्रेंड्स फ्रेंच फ्राइज को मैंने फ्रीजर में से निकाल के फिर उनको मैंने डीप फ्राई किया। उसके बाद मैंने उनको एक बार निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने वापस उनको फ्राई किया। फाइनली हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी है। फ्रेंड्स इसमें मैंने जीलावन या कोई भी एक इसका जो फ्रेंच फ्राइज मसाला आता वो मैंने डाला और फाइनली हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।